बात करेंगे विष्णु कुंडी राजवंश के बारे में। तो इससे पहले हमने सलंक्यान वंश किया था, तो अब हम बात करेंगे विष्णु कुंडी राजवंश के बारे में। ये यूनिट 2 का सबसे एंड वाला टॉपिक है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ये सबसे एंड है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, विष्णु कुंडी राजवंश एक भारतीय शाही शक्ति थी जिसने 5वीं और 6ठी शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत, ओडिशा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया था, जो वकाटक साम्राज्य से भूमि की देखभाल करती थी। अब देखें इनकी विष्णु कुंडी साम्राज्य कौन है, ये भारतीय शाही शक्ति थी, कहाँ पे राज करती थी, ओडिशा, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में। आपको याद होगा कि देखिए कि इससे पहले जो सलंक्यान वंश थे, सलंक्यान वंश को देखिए वकाटक के जो राजा थे हरिसेन, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि वकाटक वंश के जो राजा हरिसेन थे, उन्होंने सलंक्यान वंश के राजा को हरा के विष्णु कुंडी जो राजवंश है उनको आंध्र प्रदेश का जो एरिया था, जो इलाका था, वो दे दिया था। यानी कि जो विष्णु कुंडी राजवंश है ये किसकी सहायता से आया है, ये वकाटक साम्राज्य की सहायता से आंध्र प्रदेश के जो कृष्णा और गोदावरी नदी है उसके निचले क्षेत्र में ये अपना कब्जा जमाने में सफल रहे। सो देखिए ये कौन थे, ये वकाटक साम्राज्य से भूमि की देखभाल करते थे। इनकी विष्णु जो विष्णु कुंडी कौन थे, ये वकाटक साम्राज्य के अधीन थे, ये उसके सामंत थे। अब देखिए इसने 5वीं और 6ठी शताब्दी के दौरान डेक्कन के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डेक्कन वाला एरिया वही आंध्र प्रदेश का जो एरिया था उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गोदावरी का क्षेत्र कलिंग स्वतंत्र हो गया। विष्णु कुंडी शासनकाल चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पूर्वी दक्कन की विजय के साथ समाप्त हुआ। यानी कि देखिए विष्णु कुंडी जो शासनकाल था वो चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, जो देखिए जो पुलकेशिन द्वितीय है चालुक्य वंश के जो राजा थे उसके द्वारा, देखिए जब दक्कन की जो जो पूर्वी दक्कन की जो विजय प्राप्त हुई थी उसके द्वारा ये समाप्त हो गया। यानी कि देखिए विष्णु कुंडी साम्राज्य किसके द्वारा खत्म किया गया, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। पुलकेशिन ने विजय भूमि पर शासन करने के लिए अपने भाई कुब्जा विष्णुवर्धन को वायसराय नियुक्त किया। आखिरकार विष्णुवर्धन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और पूर्वी चालुक्य वंश की शुरुआत की। यानी कि देखिए कि विष्णु कुंडी जो साम्राज्य था जो सलंक्यान के बाद आया था, तो विष्णु कुंडी साम्राज्य को किसने हराया, पुलकेशिन ने, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ था कि जो विष्णुवर्धन है उन्होंने चालुक्य वंश की इसके बाद शुरुआत की। यानी कि विष्णु कुंडी के बाद कौन आए, चालुक्य। सलंक्यान आए, सलंक्यान के बाद कौन आए, विष्णु कुंडी। विष्णु कुंडी के बाद कौन आए, यहाँ पे पुलकेशिन। अब देखिए उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति के बारे में देखिए कहाँ से ये आए थे। देखिए विष्णु कुंडी विनु कोंडा का एक संस्कृत नाम है। इनकी विष्णु कुंडी का संस्कृत में नाम क्या है, विनु कोंडा। राजवंश के प्रारंभिक शासक पश्चिम की ओर पलायन कर गए और वकाटक के तहत वे सामंती दर्जा प्राप्त कर सकते थे। यानी कि देखिए इस राजवंश के तहत क्या था कि जो इसके प्रारंभिक शासक थे, यानी कि जो पहली बार इसके शासक आए थे विष्णु कुंडी के, वो पश्चिम की ओर पलायन कर गए, यानी कि वो अपने पश्चिम की ओर चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि वकाटक के तहत, यानी कि वकाटक वंश कौन सा वंश था, ये वो वंश था जिसने विष्णु कुंडी की हेल्प की थी, सहायता की थी उसका साम्राज्य स्थापित करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि देखिए जो विष्णु कुंडी थे ये अगर हम बात करें ऑफिशियल तौर पर ये वकाटक के ही सामंत थे। यानी कि सिंपल सी यहाँ पे ये बात दर्ज होती है कि जो विष्णु कुंडी साम्राज्य था, विष्णु कुंडी वंश था, वो वकाटक का सामंत था। माधव वर्मा के शासनकाल के दौरान वे स्वतंत्र हो गए और सलंक्यान से तटीय आंध्र को जीत लिया और पश्चिमी गोदावरी के एलुरु के पास डेंडलुरु में अपनी राजधानी स्थापित की। अब देखिए माधववाल के शासनकाल के दौरान माधव वर्मा, माधव वर्मा कौन है, ये विष्णु कुंडी के ही एक राजा है। तो देखिए इनके शासनकाल के दौरान क्या था, ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्र मतलब ये पहले हरिसेन जो थे वकाटक वंश के राजा उनके अंडर ही काम करते थे, अब ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। और इन्होंने क्या किया, सलंक्यान के राजा को हराया। उनको हराने के बाद जो सलंक्यान का जहाँ पे आंध्र प्रदेश पे कब्जा था, आंध्र प्रदेश का देखिए एलुरु पे पहले कब्जा था सलंक्यान का, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ना कि सलंक्यान का कब्जा किस पे था, आंध्र प्रदेश के एलुरु पे। जब विष्णु कुंडी ने उनको हरा दिया सलंक्यान को, तो उसके बाद क्या हुआ कि एलुरु पर इन्होंने कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी किसे बनाया, डेंडलुरु को। कालक्रम देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा।
आप YouTube पे सर्च करिए, Google पे सर्च करिए, आपको ये टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा, ना तो इंग्लिश में मिलेगा ना हिंदी में, कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसे अच्छे से करिए, ये दोनों मीडियम में वीडियो आएगा, हिंदी और इंग्लिश में, तो आप इसे ध्यान से कीजिए, बिल्कुल अपडेटेड टॉपिक, एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सो देखिए कालक्रम देखते हैं इसका। देखिए विष्णुकुंडी शासनकाल सलंक्यान के अंत और 624 में पूर्वी चालुक्य शक्ति उदय के बीच तय किया जा सकता है। इनकी अगर हम इसका बात करें तो जब सलंक्यान वंश का अंत हुआ उसके बाद से लेके 624 ईस्वी में ये पूर्वी चालुक्य शक्ति के उदय यानी कि सलंक्यान के अंत तक और चालुक्य जो वंश था उसके उदय होने से पहले जो इसका जो टाइम पीरियड था यानी कि सलंक्यान के बाद और चालुक्य से पहले कौन थे यहाँ पे विष्णुकुंडी। तो कुछ इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि विष्णुकुंडी शासनकाल 420 से 624 तक था, जबकि कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत से ही 7वीं शताब्दी तक शासन था। अब देखिए इतिहासकारों में ही इतना जो मत है वो नहीं है, लेकिन आप ये इसमें कह सकते हैं कि लगभग इन्होंने 200 साल तक राज तो किया था। उसके बाद देखिए गोविंद वर्मा प्रथम, हम बात करेंगे इनके फेमस राजाओं के बारे में जो प्रसिद्ध इसके राजा थे, गोविंद वर्मा की बात करते हैं। आप देखिए गोविंद वर्मा प्रथम ने महाराजा का शाही खिताब लिया और उनके पुत्र माधव वर्मा प्रथम श्री पर्वत और इंद्रपाल गुट्टा से प्राप्त अनुदान के आधार पर सत्ता के संस्थापक बने। यानी कि देखिए जो गोविंद वर्मा प्रथम कौन थे, ये देखिए सबसे पहले वो थे जिन्होंने महाराजा का शाही खिताब लिया, इनकी इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। उनके बाद देखिए जो उनके पुत्र आए माधव वर्मा, यानी कि गोविंद वर्मा प्रथम के पुत्र आए माधव वर्मा प्रथम, तो देखिए उसके बाद ये सत्ता के संस्थापक बने। अब बात करते हैं माधव वर्मा प्रथम के बारे में। देखिए माधव वर्मा का शासनकाल आप देखिए 420 से 455 किरका, सी डॉट का मतलब होता है किरका, यानी कि अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब कि कोई यहाँ पे ये जो 420 से 455 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि इसमें ही हो सकते हैं पर श्योरिटी नहीं है। वह विष्णुकुंडी वंश के शक्ति के संस्थापक थे। अब देखिए सबसे पहले जो गोविंद वर्मा आए थे इनको क्या मिला था, इनको मिला था महाराजा का किताब, लेकिन जो विष्णुकुंडी थे इसके शक्ति के संस्थापक कौन थे, माधव वर्मा प्रथम। उसके बाद आते हैं माधव वर्मा द्वितीय यानी कि टू। 5वीं शताब्दी के मध्य तक राजवंश ने अपने सबसे कुशल शासक माधव वर्मा द्वितीय के अधीन अपना शाही विस्तार शुरू किया, जिसने लगभग आधी शताब्दी तक शासन किया। इनके देखिए 5वीं शताब्दी का जब मध्य आया तब देखिए इस जो वंश था विष्णुकुंडी वंश था उस समय देखिए कि माधव वर्मा द्वितीय के अधीन शाही विस्तार, शाही विस्तार का यह मतलब होता है कि जब माधव वर्मा द्वितीय आए उस समय विष्णुकुंडी जो साम्राज्य था वो उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। माधव वर्मा का शासनकाल इसका देखिए ये सी डॉट इनकी किरका 440 से 460 किरका है या अप्रोक्सीमेशन, विष्णुकुंडी के इतिहास में एक स्वर्ण युग था। अब देखिए जो माधव वर्मा का शासनकाल कब से कब तक था, 440 से 60 यानी कि 20 साल तक इन्होंने शासन किया। दक्कन के तत्कालीन शक्तिशाली शासक परिवार की राजकुमारी ने माधव वर्मा के बेटे विक्रमेंद्र वर्मा से शादी की। यानी कि देखिए जो दक्कन के तत्कालीन शासक थे उसके जो परिवार थे उसकी राजकुमारी, यानी कि देखिए दक्कन की जो जिनका शासन था दक्कन में उसकी जो राजकुमारी है उन्होंने माधव वर्मा के बेटे विक्रमेंद्र से शादी की। इस गुड़जोड़ से क्या हुआ कि उन्हें बहुत ताकत दी और उनके पूर्वी तट पर उनके लिए पूर्वी तट पर अपना प्रभाव बढ़ाना आसान बना दिया और उस क्षेत्र में वाले क्षेत्र में क्षुद्र सरदारों को जीत लिया। आप देखिए कि जब भी होता है ना कि जैसे देखिए मान लीजिए कि उस राजकुमारी ने उनसे शादी कर ली, अब उनकी पावर और इनकी पावर इनकी दोनों की जो शक्तियां हैं वो बढ़ गई, उनकी वजह से क्या हुआ कि जो पूर्वी तट पर क्या हुआ कि जो विष्णुकुंडी का जो शक्ति थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, शादी होने से क्या हुआ, विष्णुकुंडी की शक्ति और बढ़ गई, वहाँ पर जो शुद्र सरदार थे जिनके जिनका कब्जा था उस क्षेत्र में इनको विष्णुकुंडियों ने जीत लिया। माधव वर्मा टू ने अनंत गोत्रिक के खिलाफ यानी कि जो अनंत गोत्रिक है उनके खिलाफ अपने हथियारों का नेतृत्व किया जो गुंटूर तेनाली और अंगोल पर शासन कर रहे थे, संभवतः कांचीपुरम के पल्लवों के अधीनस्थ स्थिति का आनंद ले रहे थे। यानी कि देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए थोड़ी सी टिपिकल लाइन है इसमें क्या दिखा हुआ है कि जो माधव वर्मा द्वितीय थे इन्होंने क्या किया कि
जो अनंत गोत्रिक यानी कि जो अनंत गोत्रिक थे यानी कि जो अनंत गोत्रिक के जो राजा थे, इन्होंने उसको हरा दिया और उसको उस जगह से भेज दिया। यानी कि देखिए जो अनंत गोत्रिक है इनका गुंटूर तेनाली अंगोल पर शासन था। अब हुआ क्या कि माधव वर्मा टू ने जो अनंत गोत्रिक को हरा दिया, हराने के बाद क्या किया, जिस पर गुंटूर तेनाली पर अंगोल पर जो जहाँ पहले अनंत गोत्रिक का कब्जा था तो उसी पर माधव वर्मा ने अपना कब्जा कर लिया। अनंत गोत्रिका से इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद माधव वर्मा द्वितीय ने अमरपुरा को अपनी राजधानी बनाया। अमरपुरा क्या है? आज का अमरावती। अमरावती देखिए ये 2024 में देखिए अब राजधानी बनेगा आंध्र प्रदेश की। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो अमरावती अमरावती देखिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का एक इलाका है अमरावती, तो ये उस समय विष्णुकुंडी की राजधानी बना। इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था माधव वर्मा द्वितीय ने। तो क्वेश्चन आ सकता बताइए कि जो अमरावती है तो विष्णुकुंडी वंश के किस शासक ने उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो उसका नाम है माधव वर्मा द्वितीय। इसका पहले नाम क्या था? अमरपुरा। ठीक है, आप इसे याद रखिए, अमरपुरा या अमरावती कुछ भी आ सकता है। माधव वर्मा टू ने यानी कि माधव वर्मा द्वितीय ने अगले साल वेंगी साम्राज्य के खिलाफ मुहिम छेड़ी जो सलंक्यान के अधीन थे। देखिए पहले तो उन्होंने सलंक्यान को हराया, लेकिन जब उनके अधीन जो वेंगी साम्राज्य था इन्होंने उसके खिलाफ भी मुहिम छेड़ दी, यानी कि उसके ऊपर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। वेंगी क्षेत्र का विस्तार किया गया था। गोदावरी पथ विष्णुकुंडी क्षेत्र का हिस्सा बन गया। अब देखिए जो गोदावरी का जो रास्ता था वो विष्णुकुंडी का हिस्सा बन गया, वेंगी का क्षेत्र भी इनके अंडर आ गया। यानी कि जिस जिस जगह पे पहले सलंक्यान का जो कब्जा था अब इस पे विष्णुकुंडी का कब्जा हो गया। इन विजय के बाद राजधानी को अमरवाड़ा से अधिक केंद्रीय स्थान बेजवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया। देखिए कई कई यहाँ पे अमरपुरा लिखा था, यहाँ पे अमरवाड़ा आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या है देखिए कि अमरवाड़ा से यानी कि अमरपुरा से या अमरावती से जो राजधानी थी वहाँ से शिफ्ट कर दी गई। कहाँ पे शिफ्ट करी गई? विजयवाड़ा में। ठीक है, अब देखिए विजयवाड़ा को बेजवाड़ा भी कहते हैं। ये व्यापक विजय उनके दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण देश के स्वामी की उपाधि से विभूषित करती है। इन विभिन्न विजय के बाद माधव वर्मा ने कई अश्वमेध राज हुआ और अन्य वैदिक यज्ञ किए। देखिए माधव वर्मा द्वितीय के उत्तराधिकारी यानी कि कौन थे? देखिए इनके बाद अगले शासक थे विक्रमेंद्र वर्मा। विक्रमेंद्र वर्मा देखिए वही है जिनसे जो जिन राजकुमारी ने जो शादी की थी। ठीक है, इनका शासनकाल था 508 से 528 ईस्वी। तो के शासनकाल के दौरान विष्णुकुंडी की किस्मत निम्न बिंदु पर थी। यानी कि देखिए जो विष्णुकुंडी की किस्मत थी इनकी बहुत यानी कि जब देखिए विक्रमेंद्र वर्मा जब इसके शासक बने तो वो कुछ इतने खास नहीं थे। अगले 2.5 दशकों में इंद्र भट्टारक वर्मा के शासनकाल के दौरान निरंतर संघर्ष और वंशवादी संघर्षों का भी अनुभव हुआ। यानी कि देखिए कि जब माधव वर्मा द्वितीय थे तब शासन इनका अच्छा था विष्णुकुंडी का, लेकिन उसके बाद विक्रमेंद्र वर्मा आए, उसके बाद देखिए जो 2.5 दशक जो बीत गए जिसमें भट्टारक वर्मा है वहाँ पे क्या हुआ, उनके परिवार में एक होड़ मच गया, एक संघर्ष मच गया आपस में कि कौन आगे राजा बनेगा। इनकी परिवारवाद में ही उनका आपसी झगड़ा स्टार्ट हो गया। हालांकि इंद्र भट्टारक शत्रु कलिंग के अधीनस्थ इंद्र वर्मा का सामना नहीं कर सके और युद्ध में अपनी जान गंवा बैठे। अब देखिए कि जो इंद्र भट्टारक है ये जो विष्णुकुंडी वंश के जो राजा है, तो अब देखिए वहाँ पे क्या था कि इनकी इनका युद्ध हुआ कलिंग के जो राजा थे इंद्र वर्मा के साथ, लेकिन उसे ये जीत नहीं पाए और युद्ध में ये मारे गए। विष्णुकुंडी ने गोदावरी के उत्तर में अपनी कलिंग संपत्ति खो दी। यानी कि देखिए जो विष्णुकुंडी का जो गोदावरी के उत्तर में जहाँ पे देखिए कलिंग में जो कब्जा था तो वहाँ पे ये अपना कब्जा जमा नहीं पाए। यानी कि देखिए जहाँ पे गोदावरी के उत्तर में इनका कब्जा था ना विष्णुकुंडी का, तो इनको वो हार माननी पड़ी वहाँ पे, क्योंकि देखिए इनका जो राजा था इंद्र भट्टारक वो तो मारा गया। विकेंद्र वर्मा टू, अब देखिए विकमेंद्र वर्मा द्वितीय के प्रवेश के साथ विष्णुकुंडी परिवार की किस्मत बहाल हो गई। कलिंग क्षेत्र की तत्काल पहुंच के लिए अपनी राजधानी बेजवाड़ा से लैंडलुरु स्थानांतरित कर दी गई। अब देखिए बेजवाड़ा से भी यानी कि विजयवाड़ा से भी लैंडलुरु राजधानी बनी। ठीक है, तो ये किसने बनाई थी? विकमेंद्र वर्मा
द्वितीय ने। उन्होंने पल्लव शासक सिंहवर्मन के हमले को दोहराया। कलिंग क्षेत्र में विष्णु कुंडियों के भाग्य को बहाल करने के लिए वह पर्याप्त सफल था। इनकी देखिए कि जब इंद्र भटारक थे जो कलिंग के जो शासक थे उससे हार गए थे, लेकिन जब विक्रमेंद्र वर्मा आए तो ये जो थे वे ये काफ़ी शक्तिशाली थे, तो उन्होंने कलिंग का जो क्षेत्र था ये जो गवा बैठे थे फिर से उसको हासिल कर लिया। उनके पुत्र गोविंद वर्मा द्वितीय तुलनात्मक रूप से कम अवधि तक रहे, यानी कि देखिए विक्रमेंद्र वर्मा के बाद ये शक्तिशाली जो राजा थे इनके बाद जो गोविंद वर्मा आए वो कम समय तक रहे। विष्णुकुंडी साम्राज्य ने अपने सक्षम शासक जनश्रेया माधव वर्मा फोर के तहत फिर से शाही विस्तार और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए निर्धारित किया। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो माधव जो जनश्रेया माधव वर्मा है ठीक है, उसके तहत क्या हुआ कि जो फिर से शाही विस्तार किया, फिर से शाही देखिए कि जो इनकी सांस्कृतिक समृद्धि थी यानी कि जो विष्णुकुंडी परिवार की जो समृद्धि थी उसको फिर से बनाया गया। इस विवेकपूर्ण राजा ने वेंगी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने प्रारंभिक वर्षों का शासन बिताया। उनके शासन काल के बाद के हिस्सों को और अनुग्लक अनुलग का मतलब होता है संयोजन द्वारा चिन्हित किया गया। अब देखिए शासनकाल के बाद क्या कि जो हिस्से को इनकी जो बाद के जो हिस्से हैं शासनकाल के बाद वहाँ पे क्या हुआ, यानी कि सीधी सी बात यहाँ पे करेंगे कि जो देखिए ये जो राजा है गोविंद वर्मा टू उनके शासनकाल के बाद क्या हुआ कि जो उसके बाद का जो समय आया वो या तो युद्ध में बीता या तो संयोजन में बीता, या तो गठजोड़ हुआ या तो युद्ध हुआ। उनके बाद अपने 37वें वर्ष में और उन्होंने अपने अधीनस्थ प्रमुख दुर्जा पृथ्वी महाराज के गुडादिश्व क्या है देखिए पूर्वी गोदावरी जिले में आधुनिक रामचंद्रपुरम जो एरिया है उसके विद्रोह को दबा दिया। माधव वर्मा चतुर्थ को अपने अंतिम वर्षों के शासनकाल में चालुक्य के आक्रमण का सामना करना पड़ा। देखिए ये माधव वर्मा जो चतुर्थ इनकी फोर आए थे इनके जो शासनकाल के जो अंतिम वर्ष थे तो उस समय क्या हुआ चालुक्य ने आक्रमण कर दिया। लगभग 616 तक पुलकेशिन द्वितीय ने द्वितीय और उनके भाई कुब्जा विष्णुवर्धन ने अपने अधीनस्थ दुर्जे से विष्णुकुंडी और पिथापुरम क्षेत्र में वेंगी पर विजय प्राप्त की। अब देखिए सलंक्यान पर जैसे वकाटक के राजा हरिसेन ने हमला किया था उनका शासन सलंक्यान का छीन के विष्णुकुंडी के दिया था, तो सेम वैसा ही हुआ। कहते हैं ना इतिहास फिर से दोहराता है, तो ऐसा ही हुआ। जब विष्णुकुंडी का राज आया जब इनका अंतिम वर्ष आया तब चालुक्य ने इनके ऊपर हमला कर दिया और इनसे भी अपना शासन छीन लिया। तो विष्णुकुंडी के बाद देखिए कि जो पुलकेशिन द्वितीय और उसके बाद जो कुब्जा विष्णुवर्धन थे इन्होंने वेंगी पर विजय प्राप्त कर ली। वेंगी वही एरिया है जो विष्णुकुंडी के अधीन था। अपने 48वें पुनर्जन्म वर्ष में यानी कि देखिए कि आप जन्म वर्ष भी कह सकते हैं 621वें माधव ने अपने इलाकों से चालुक्य को हटाने के लिए संभवतः गोदावरी को पार किया, हालांकि वे युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवा बैठा। यानी कि देखिए 48 साल की उम्र में क्या हुआ कि इन्होंने चालुक्य को हटाने के लिए कोशिश की, यानी कि बहुत कोशिश की इनका राज्य बच सके, लेकिन ये युद्ध में मारे गए। उनके पुत्र मंचन भट्टारक को भी चालुक्यों ने निष्कासित कर दिया था। इस प्रकार विष्णुकुंडी शासन को 600 करीब के लाया गया। देखिए यहाँ पे इसका सिंपल है मतलब है कि उस समय क्या हुआ कि जो मंचन भट्टारक थे इनकी जो विष्णुकुंडी वंश के जो राजा थे चालुक्य ने उनको भी हरा दिया। विष्णुकुंडी राजा देखिए इनके पास क्या थे, इनके पास देखिए तीन महत्वपूर्ण शहर थे एलुरु अमरावती और पुरानी संगम। शासन प्रबंध की बात करें देखिए प्रशासन सुविधा के लिए साम्राज्य को कई राष्ट्रों विषयों में विभाजित किया गया। अब देखिए प्रशासन को आसानी से चलाया जाए इसके लिए क्या हुआ कि साम्राज्य को कई राष्ट्रों में बांटा गया, कई विषयों में बांटा गया। जैसे होता है ना आजकल कि एक देश को चलाने के लिए स्टेट को चलाने के लिए राज्य को चलाने के लिए जिलों और गांवों में बांटा जाता है, तो पहले ही ऐसा ही था। लंबा राज्य चलाने के लिए उसको कई विषयों में बांटा जाता था, उनके लिए सामंत रखे जाते थे। शिलालेखों में पालकी राष्ट्र कर्म राष्ट्र गोदादी विषय आदि का उल्लेख है। माधव वर्मा द्वितीय ने शाही परिवार के सदस्यों को राज्य के विभिन्न
क्षेत्रों के लिए वायसराय के रूप में नियुक्त किया। आप देखिए वायसराय तो आप सोच रहे होंगे ये तो अंग्रेजों का नाम था। देखिए यहाँ पे नाम वायसराय का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई राजा हमला करता है किसी राज्य के ऊपर, वह खुद वहाँ पे रह नहीं सकता, वो अपना एक गवर्नर छोड़ जाता था वहाँ पे, तो उसे बोलते थे वायसराय। ठीक है, वैसे वायसराय का मतलब ये होता है कि राजे के परिवार का ही एक शाही आदमी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो विभिन्न राज्यों में क्या था, इन्होंने अपने अपने वायसराय, इनके अपने अपने जो कहते हैं ना कि जो अपने अपने जिम्मेदार जो शासक थे उनको छोड़ा गया था। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि विष्णुकुंडी राजवंश के जो राजा हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, तो उनके बीच में ये अपने राज्य को बांट देते थे। यानी कि अगर इनका राज्य ज़्यादा बड़ा है तो उस राज्य को अच्छे से चलाने के लिए, उसकी देखरेख के लिए ये उनमें क्या करते थे, उनको जिम्मेदारी देते थे उस जगह को देखने के लिए। न्याय के प्रशासक में राजा अपील का सर्वोच्च न्याय था। ये देखिए न्याय के रूप में अगर हम बात करें तो राजा जो था वो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में था। विष्णुकुंडी शासकों ने विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न प्रकार के दंडों की स्थापना की। वे अपने निष्पक्ष निर्णय और न्याय की उच्च भावना के लिए जाने जाते थे। अब देखिए सेना की बात करें यहाँ पे, देखिए इनके पास सेना थी जो चार गुना विभाजन शामिल था इनकी। देखिए इनकी सेना थी चार भागों में बंटी थी, हाथी वाली सेना थी, रथ सेना थी, घुड़सवार सेना थी और पैदल सेना थी। हस्तिकोसा हाथी बलों का प्रभारी अधिकारी था। हस्तिकोसा कहते कहते हैं हाथी बल, यानी कि जो हाथियों की सेना थी उसका जो हेड था उसे कहते थे हस्तिकोसा। और वीरकोसा भूमि सेनाओं का प्रभारी था। इनके देखिए जो पैदल सेना थी जिनकी जो भूमि पर लड़ती थी सेना, उसका प्रभारी क्या कहते उसे, वीरकोसा। तो कोसना सोता बताइए कि हस्तिकोसा क्या है और वीरकोसा क्या है। इन अधिकारियों ने राजाओं की ओर से भी अनुदान जारी किया। देखिए टैक्स की बात करते कर के बारे में, भूमि राज सब के लिए, देखिए संग्रह के लिए अच्छी तरह से संगठित प्रशासनिक तंत्र हो सकता है। अग्रहा गांव को कर में छूट मिली। पुरातत्वविदों द्वारा विष्णुकुंडी शासकों के 16 प्रकार के सिक्के पाए गए। अब देखिए किसी भी शासक के, अगर हम जो उसके शासन के बारे में जानना हो, किसी भी वंश के बारे में, सबसे पहली बात है कि हम उसके सिक्कों को, उससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। सिक्कों से ही पता चलता है कि जो राजा था वो कौन से धर्म को अपनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, देखिए जो भूमि का जो राजस्व था उसको एकत्रित करने के लिए क्या था, एक अच्छा प्रशासन था। धर्म की बात करें, देखिए विष्णुकुंडी और माधव वर्मा द्वितीय से पहले राजाओं के सभी अभिलेख हिंदू धर्म के संरक्षक प्रतीत होते हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है कि विष्णुकुंडी जो माधव वर्मा द्वितीय से जो पहले के राजा थे वो हिंदू थे। यानी कि ये विष्णुकुंडी जो राजवंश था ये हिंदू धर्म थे, हिंदू धर्म से संबंधित थे। माधव वर्मा द्वितीय के प्रवेश के समय, यानी कि देखिए अगर हम बात करें विष्णुकुंडी और माधव वर्मा द्वितीय से पहले के राजा वो हिंदू धर्म से थे, लेकिन जब माधव वर्मा द्वितीय आए उनके प्रवेश के समय से वैदिक ब्राह्मणवाद का एक आक्रमण हुआ। राजसुआ, पुरुषमेध, सर्वमेध और अश्वमेध जैसे विस्तृत वैदिक समारोह किए गए। यानी कि देखिए जब माधव वर्मा द्वितीय आए उस समय के बाद क्या हुआ, देखिए कि ब्राह्मणवाद आ गया। पहले हिंदू धर्म थे, बाद में कट्टर ब्राह्मणवाद आ गया। इन्होंने तरह तरह के यज्ञ करवाए। इन सभी बलिदानों का उत्सव ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान की पारंपरिक भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि देखिए कई साल पहले, कई सौ साल पहले जब ब्राह्मणवाद खत्म हो गया था, लेकिन जब माधव वर्मा द्वितीय है इन्होंने फिर से ब्राह्मणवाद लाने की कोशिश की। कुछ शासकों ने स्वयं को परम महेश्वर कहा। शिलालेखों में उनके परिवार के देवता श्री पार्वत स्वामी का उल्लेख है। माधव वर्मा और गोविंद वर्मा जैसे शासकों के नाम उनके वैष्णव झुकाव को दर्शाते हैं। अब देखिए जो माधव वर्मा गोविंद वर्मा की अगर हम बात करें तो वैष्णव झुकाव को दर्शाते हैं। देखिए इनसे पहले क्या था हिंदू धर्म, माधव वर्मा के द्वितीय के समय क्या हुआ, ये ब्राह्मणवाद को लेके आए। तो उसके बाद देखिए जो गोविंद वर्मा आए तब ये वैष्णव धर्म की ओर झुकाव हुआ इनका। इस प्रकार शैव और वैष्णववाद के दोनों हिंदू संप्रदायों को उनसे समान संरक्षण प्राप्त हो सकता था। तो साहित्य भी एक बार देख लेते हैं।
विष्णु कुंडी भी सीखने के महान संरक्षक थे। उन्होंने वैदिक शिक्षा के लिए कॉलेज स्थापित किए, वैदिक अध्ययनों के प्रसार के लिए भूमि और कॉलेजों को के उपहार से ब्राह्मण को प्रोत्साहित किया गया था। यानी देखिए उस समय क्या था कि इनको साहित्य से काफ़ी प्रेम था, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, इनकी वैदिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कई कॉलेज स्थापित किए गए, इसको कई सारे जैसे वहाँ पे उपहार दिए गए और भूमि को भी दिया गया। इंद्र भट्टारक ने वैदिक साहित्य पर शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कूलों की स्थापना की। माधव वर्मा द्वारा कई विस्तृत वैदिक समारोह का प्रदर्शन ब्राह्मणवाद में शासकों के विश्वास और इस अवधि के दौरान लोगों के साथ वैदिक शिक्षा की लोकप्रियता का प्रमाण है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो माधव वर्मा है उन्होंने कई वैदिक समारोह किए, सो उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने वैदिक समारोह किए इसका ये मतलब है कि इन्होंने काफ़ी यज्ञ करवाए थे। हमने पीछे पढ़ा ना कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया और काफ़ी तरह के यज्ञ करवाए, तो सिंपल सी यही बात है कि ये ब्राह्मणवाद को फिर से लेके आना चाहते थे। विष्णुकुंडी राज्यों राजाओं में से कुछ को कई पुस्तकों के लेखक होने का श्रेय है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो विष्णुकुंडी राजा है उसमें से कुछ जो है तो वो कई पुस्तक के लेखक, ऐसा माना जाता था कि जो विष्णुकुंडी के जो राजा थे कुछ राजाओं ने कुछ ना कोई किताब लिखी थी। जैसे विक्रमेंद्र वर्मा प्रथम को एक रिकॉर्ड में महाकवि यानी कि महान कवि के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि देखिए विक्रमेंद्र वर्मा जो प्रथम थे तो एक रिकॉर्ड पाया गया है जहाँ पे उनको महाकवि कहा गया है। अब देखिए ऐसा माना जा सकता है कि जो विष्णुकुंडी के जो कुछ राजा थे वो लिखने के लिए यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ कविता वगैरह या कुछ ना कुछ साहित्य लिखा होगा जिसके वजह से उनको जाना जाता है। इसके अलावा संस्कृत कविताओं पर एक अधूरा काम जिसे जनश्रेय चंदोविचित्र कहा जाता है को माधव वर्मा चतुर को जिम्मेवार ठहराया गया था, जिन्होंने जनश्रेय की उपाधि ली थी। संस्कृत को शाही संरक्षण प्राप्त था। अब देखिए ब्राह्मणवाद है उसके बाद संस्कृत तो अहम भूमिका निभाता है। आपको पता ही है कि अगर ब्राह्मणवाद आएगा तो संस्कृत तो खुद ब खुद आएगी, तो इसलिए इसमें जो भाषा थी, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताइए कि विष्णुकुंडी के समय में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता था, वो थी संस्कृत। तो लास्ट में हम बात करते हैं कला और वास्तुकला के बारे में। देखिए शिव के महान भक्त होने के नाते विष्णुकुंडी शिव को समर्पित कई गुफा मंदिरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं या माने जाते हैं। अब देखिए इनकी जो विष्णुकुंडी थे ये शिव के महान भक्त थे, इनकी हिंदू धर्म से संबंधित थे, तो देखिए इन्होंने क्या किया कि कई गुफा मंदिरों का निर्माण किया। बेजवाड़ा इनकी विजयवाड़ा, मुगल राजपुरम, उन्नावली गुफाएं और भैरवकोंडा में गुफा संरचना इस अवधि के लिए बनाई गई थी। इनकी देखिए ये जो गुफाएं बनाई गई थी ये कब बनाई गई थी, इनकी जो एरिया कब बना था, ये विष्णुकुंडी के समय में बना था। उड़ावली में 4 मंजिला गुफा और नेल्लौर जिले में भैरवकोंडा में 8 गुफा मंदिर हालांकि पवल्लव महेंद्र वर्मन के काल की वास्तुकला के साथ स्पष्ट दिखते हैं। इनकी अगर हम बात करें पल्लव वंश के आर्किटेक्चर के बारे में, पल्लव वंश की वास्तुकला के बारे में, तो उस समय के साथ क्या था, हमें विष्णुकुंडी के जो उड़ावली में 4 मंजिला गुफा है और नेरोर में जो भैरवकोंडा के 8 गुफा मंदिर हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने आज पढ़ा विष्णुकुंडी का टॉपिक, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही चैनल में मिलेगा जिसका नाम है स्टडी भारत। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे ये लेक्चर मिल जाएगा, तो बिना देर करिए इसे अच्छे से करिए, तो क्योंकि देखिए एग्जाम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।